अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आपको जो है अपने एक छोटे से पौधे से मिलवाना चाहता हूँ। मैंने इस ग्रो बैग के अंदर सिर्फ मिट्टी डाली थी और मैंने सोचा था कि इसमें कोई पौधा लगाऊंगा, मगर सिर्फ पानी देता रहा क्योंकि मेरे पास कोई पौधा अभी तैयार नहीं था कि मैं इस ग्रो बैग में लगाता। मगर मैंने देखा कि अचानक से जो है वो इस पौधे के अंदर जो है वो कोई प्लांट जो है वो उगने लगा। मैंने भी इसको सिर्फ पानी देना शुरू कर दिया, तो फिर कुछ दिनों में देखने लगा कि मैं येलो येलो छोटे छोटे फ्लावर्स आ रहे थे। तो मैंने कहा समझ में नहीं आया मुझे कि ये किस तरह का पौधा है, शायद ये करेले का पौधा है, शायद ये लौकी का पौधा है, मगर ये समझ में नहीं आया। तो मैं इसको पानी देता रहा, इसमें फ्लावरिंग होती रही और मैं इसको गूगल पे भी सर्च करता रहा, मगर मुझे नहीं समझ में आया। फिर अल्लाह का करना ये हुआ कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब इनमें से एक नहीं बल्कि दो फ्लावर्स में से जब फ्रूटिंग हुई तो मुझे समझ में आया कि ये क्या हुआ है। आप भी देखिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। ये देखिएगा माशाल्लाह से, ये देखें इसमें जो है वो दो वाटरमेलन बन रहे हैं छोटे छोटे, और ये अल्लाह की कुदरत है कि बिना सीड लगाए भी जो है वो पौधे उग सकते हैं और आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। ये हुआ किस तरह, मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा। ये इस तरीके से हुआ है कि मैंने सिर्फ मिट्टी डाली थी और मिट्टी में खाद भी थी शायद, तो वो जानवरों की खाद होती है, जानवरों ने किसी टाइम पे जो है वो वाटरमेलन खाए होंगे और उन्हीं वाटरमेलन में से कोई सीड जो है वो बाकी रह गया होगा और वो खाद के साथ मेरे पास आया। आप पानी डाला उसमें, जर्मिनेट हुआ वो, और ये जो है आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। इंशाल्लाह ये बड़े होंगे तो मैं आपको दिखाता रहूँगा। इनमें से मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही जो है वो बड़ा हो पाएगा, क्योंकि प्लांट की हेल्थ इतनी ही है और मेरे पास भी जगह इतनी ही है। तो इंशाल्लाह जैसे ही ये बड़ा होगा मैं आपको अपने इस छोटे से क्यूट से वाटरमेलन से मिलवाता रहूँगा। ये अल्लाह की कुदरत है कि सीड लगाए बिना भी जो है आप एक पौधा उगा सकते हैं, ये अल्लाह ही कराने वाला है। तो इंशाल्लाह मैं आपको इस पौधे को आगे भी दिखाता रहूँगा। शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।